नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राणा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जीआर पे। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने जो आप यदि YouTube क्रिएटर हैं और आप अपने जो YouTube चैनल चला रखा है उस पर जो सब्सक्राइबर हैं उसे आप हाइड कैसे कर सकते हो। हाइड का मतलब है दोस्तों, देखिए यदि आप अपने चैनल को हाइड कर लोगे तो सिर्फ आप ही देख सकते हो कि आपके चैनल पर आप कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बाकी कोई भी यूट्यूब पर आपकी वीडियो को प्ले करके देखेगा, आपके चैनल में जाएगा तो कोई अदर नहीं चेक कर पाएगा कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। हाइड करने के बाद सिर्फ आप ही उन्हें देख सकते हो। दोस्तों हाइड करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर जो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं उन्हें आप कैसे हाइड करोगे, जिससे सिर्फ आप ही देख सकते हो और किसी कोई भी यूट्यूबर आपके सब्सक्राइबर नहीं काउंट कर पाएगा, नहीं देख पाएगा कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ कैसे आप हाइड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए यूट्यूब का ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, या फिर आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, आपको इस पर लिख देना है www.youtube.com। ठीक है दोस्तों, उसको लिख करके आप सर्च कर देंगे और यूट्यूब वहाँ पर ओपन कर लेंगे, या फिर आपका ऐसा आइकन आ रहा होगा आप उस यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ से ओपन कर लेंगे ना तो आप का चैनल का लोगो राइट साइड में दिख जाएगा। जो भी आपका चैनल है उसका लोगो आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए थोड़ा नेट स्लो है इसलिए स्पीड कम आ रही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको हर तरीके से बहुत ही आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा, जल्दी से आपके समझ में भी आ जाए। सेटिंग को बहुत बारीकी से बताऊँ किस तरह से आप सब्सक्राइबर काउंट करने के लिए बचा सकते हैं, सिर्फ आप ही काउंट करेंगे और कोई नहीं देख पाएगा, हाइड करने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आपका पेज ये यहाँ पर हो, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप राइट साइड में अपने चैनल का लोगो देख पा रहे हैं, ये तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन जो है डेस्कटॉप साइड मोड पर इनेबल होना चाहिए, वरना दोस्तों आप यहाँ से जैसे यूट्यूब पर अपने चैनल को क्लिक करेंगे तो सीधा रीडायरेक्ट ये यूट्यूब पर हो जाता है और आपका चैनल मैनेजमेंट ओपन नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो आपको ऊपर सिंपली देखिए थ्री डॉट देख पा रहे हैं राइट साइड में, आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड, तो आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। तो अब आपका फ़ोन जो है दोस्तों देखिए रिफ्रेश होकर के ऑटोमेटिक डेस्कटॉप साइड मोड वर्जन में इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही अपना चैनल लॉगिन करेंगे ना तो आपकी सारी सेटिंग चैनल की यहाँ पर मैनेज आप कर सकते हैं, यहीं से आप फुल चैनल कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों रीडायरेक्ट यूट्यूब पर हो जाता है यदि आप डेस्कटॉप साइड मोड इनेबल नहीं करोगे, वो भी मोबाइल में। दोस्तों यदि आप पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं उसमें तो हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि वो खुद ही डेस्कटॉप हो जाता है, लेकिन मोबाइल में आपको डेस्कटॉप साइड मोड इनेबल करना पड़ता है, वरना क्रोम में ये आपका चैनल कस्टमाइजेशन ओपन नहीं होता है, रीडायरेक्ट यूट्यूब पर ही ओपन हो जाता है। तो वहाँ से दोस्तों आप अपने चैनल का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हमने डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कर लिया है, तो अब आपको सिंपली अपने चैनल के लोगो जो है चैनल आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है योर चैनल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी जो भी वीडियो वगैरह डली हुई हैं आपके चैनल का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है, आपको कस्टमाइज चैनल करना है, चैनल कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो कस्टमाइज चैनल पर कर लेंगे, वरना दोस्तों मैं जो सिर्फ इस वीडियो में आपको बताना है कैसे आप सब्सक्राइबर हाइड करेंगे। तो आपको यूट्यूब स्टूडियो लिखा हुआ है ब्लू कलर के इसमें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है यूट्यूब स्टूडियो पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल का एक और इंटरफेस यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर आपके चैनल का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे आपको तो एक सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे वाले साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अपने चैनल लिखा हुआ है सेकंड नंबर ऑप्शन पर, आपको चैनल पर क्लिक कर देना है। सेकंड नंबर ऑप्शन दोस्तों चैनल का है, चैनल पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ऊपर तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड एडवांस सेटिंग, तीसरा ब्रांड और चौथा फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग पर। जैसे आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें सबसे नीचे चले जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर जाएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट। तो यहाँ पर लिख रहा है सब्सक्राइबर काउंट डिस्प्ले नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब टू योर टू माई चैनल। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यदि आप
अपने सब्सक्राइबर को सभी को दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो यहाँ पर क्लिक कर दें, चेकबॉक्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें सभी यूट्यूबर जो भी वीडियो आपके देखेगा आपके सब्सक्राइबर को भी देख पाएगा, ठीक है दोस्तों। और सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, नीचे सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपको इस पर चेकमार्क नहीं लगाना है, राइट निशान नहीं लगाना है, और नॉर्मल इसे ऐसे ही रहने देना है। तो दोस्तों अब यदि ऐसे रहने देंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं आप सिर्फ आप ही देख सकते हो, कोई भी यूट्यूबर जो आपकी वीडियो देखता है आपके सब्सक्राइबरों को नहीं देख पाएगा कि आपके कितने चैनल, आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों इसी तरह से सब्सक्राइबर को हाइड किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं इसी अगले को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।